हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेकंड गाइस। मेरा नाम है आशीष जायकवाड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके मेल्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल नर्सिंग। क्या नर्सिंग ये जो फील्ड है वो मेल्स के लिए है या नहीं, और क्या स्कोप है मेल्स के लिए, या फिर कब से ये मेल्स के लिए है, और कई सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और आपका जो डाउट था, जो जितने ज़्यादा आपने क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये डाउट या फिर ये जो क्वेश्चन है मुझे कई बार पूछा गया है मेल्स के द्वारा, क्या नर्सिंग मेल्स के लिए है या नहीं, और अनेक बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में बने रहिए। वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों बात कर रहे हैं मेल नर्सिंग की। क्या नर्सिंग इस फील्ड में मेल्स को स्कोप है, या फिर क्या नर्सिंग मेल्स के लिए है? अगर हम नर्सिंग की हिस्ट्री देखें इंडिया में, तो 1943 में भोर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ भोर, इनके चेयरमैनशिप में ये भोर कमेटी एस्टैब्लिश हुई थी, और उन्होंने 1946 में आफ्टर हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइक रिसर्च करने के बाद उन्होंने 1946 में अपने कमेटी का फर्स्ट रिपोर्ट पेश किया था। तो उस रिपोर्ट्स के अनुसार कई उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान बनाए थे, और उसमें लाइक ये जो प्लान्स थे दे वर रिलेटेड टू हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवर सिस्टम। तो उसमें ही उन्होंने कई सारे बातें बताए थे, लाइक PHCs, और एक PHC कितने पॉपुलेशन के अंडर होना चाहिए, एक PHC में कितने पॉपुलेशन होने चाहिए, कितने बेड्स होने चाहिए एक PHC में, और कई सारे बातें उन्होंने बताया। उसी के साथ स्टाफ, कितना स्टाफ एक PHC में होना चाहिए, तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट बातें बताएं। तो उसी में एक रिकमेंडेशन में एक बात सामने आई है, और वो थी मेल नर्सिंग पर्सनल। तो उसमें यह भी लिखा गया है कि फॉर हैवी ड्यूटी पर्पस, ये भी बात वहाँ पे लिखी है फॉर हैवी ड्यूटी पर्पस। तो मेल नर्सेस कुछ 4-5 साल पहले से नहीं आया, या फिर कुछ 10 साल पहले नहीं आया, ये तो स्टार्टिंग से ही है। मेल नर्सेस जब इंडिया में हेल्थ केयर डिलीवर सिस्टम की प्लानिंग हो रही थी, तब ही मेल नर्सेस को रिकमेंड किया गया है, रिकग्नाइज किया गया है नीड फॉर मेल्स इन नर्सिंग। तो नर्सेस लाइक नर्सिंग फील्ड में मेल्स की जो नीड है वो पहले ही रिकग्नाइज की गई है, ये कुछ 10 साल पहले या फिर किसी गवर्नमेंट में 5 साल पहले ये नहीं किया गया है, ये पहले से ही है। तो दोस्तों अब इसका जो पर्पज़ वहाँ पर बताया था टू डू हैवी ड्यूटी वर्क, तो उसी के साथ अब भी आगे जाके जब जैसे जैसे हमारी फील्ड मॉडर्न हुई है उसी तरह चेंजेस आ गए हैं, और हमारा जो रोल है मेल नर्सेस का वो चेंज होते गया है। सबसे पहले नर्सिंग ये फील्ड मेल्स के लिए है, ये डाउट तो क्लियर है। सेकेंडली अब स्कोप्स, जिस तरह से वो आप बोर कमेटी के रिकमेंडेशन में एक बताया गया था, एक पॉइंट दिया गया था मेल नर्सेस फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, तो ये एक था हैवी ड्यूटी वर्क। सेकेंडली अब किसी को हैवी ड्यूटी वर्क करना ही मतलब कुली जैसा काम नर्सेस का होता है, मेल नर्सेस का होता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों हॉस्पिटल्स में ऐसे कुछ बातें होती है जो केवल मेल नर्सेस हो सकते हैं, मतलब मेल नर्सेस उसको अच्छी तरह से हैंडलिंग कर सकते हैं। अब जो हैंडलिंग पावर होती है या फिर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है वो एज कम्पेयर टू फीमेल्स, मेल्स में ज़्यादा अच्छी होती है। मेल्स उन चीज़ों को, उन बातों को, उन सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मेल्स को नर्सिंग में या फिर नर्सिंग फील्ड में मेल्स की इंपॉर्टेंस, नर्सिंग फील्ड में मेल्स को ज़्यादा स्कोप है। सेकेंडली अब बात करें कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस ये भी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड है। नर्सिंग जो कॉलेजेस है वहाँ पर पहले होता था कि वहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा होते थे, तो गर्ल्स ज़्यादा होते थे, टीचर्स भी गर्ल्स होते थे, मतलब फीमेल होते थे, तो फीमेल टीचर्स गर्ल्स को हैंडल कर सकते थे। बट जिस तरह हमारे फील्ड मॉडर्न होते गए वहाँ पर मेल्स का इंटेक भी ज़्यादा हुआ। अगर हम देखें पिछले 5-10 सालों में तो मेल्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेल्स यहाँ पे इस फील्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मेल्स को हैंडल करने के लिए टीचर्स लाइक फीमेल टीचर को कई बार दिक्कत आती है, बट मेल्स कैन हैंडल इट वेरी प्रॉपरली। तो इसके लिए टीचिंग फील्ड में अगर हम देखें तो मेल्स इंपॉर्टेंट है, और मेल्स का काम बस इतना ही नहीं है कि मेल्स को हैंडल करें, बट और भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि मैनेजरियल वर्क, कुछ मैनेजमेंट स्किल्स जो होते हैं वो मेल्स में अच्छा होते हैं, तो फिर मैनेजमेंट करना, कॉलेज को रन करना, डायरेक्टरशिप, डायरेक्टर्स बनते हैं मेल्स, तो इस बातों के लिए नर्सिंग फील्ड में मेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लिनिकल्स की या फिर हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स में जैसे कार्डियक वार्ड हुए, एक्सीडेंट पेशेंट या कैजुअलिटीज हम जिसे कहते हैं, इमरजेंसी वार्ड, या फिर इन डिपार्टमेंट्स में मेल्स बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर है।
फॉर एग्जाम्पल साइकेट्रिक नर्सिंग में अगर हम बात करें तो साइकेट्रिक नर्सिंग में जो ECT ये जो थेरेपी हम देते हैं, तो वहाँ पर कुछ पेशेंट जो होते हैं वो हैवी होते हैं, और उनको हैंडल करना या फिर उनको कैरी करना, उनको लिफ्ट करना, वो फीमेल नर्सेज से उतना प्रोमिनेंट तरीके से नहीं होता, उतना अच्छे तरीके से नहीं होता। तो फिर हैवी पेशेंट्स को हैंडल करना, उनके इमोशंस को समझना, और उनको जितना चाहिए जिसे चाहिए उस तरह से उनके खुद के लैंग्वेज में उनके खुद के तरीके से को समझाना, और सभी बातें पूरा केयर करने के लिए मेल नर्सेस वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो साइकेट्रिक में मेल नर्सेस इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अगर हम बात करें जनरल नर्सिंग की, तो जनरल नर्सिंग में कार्डियक वार्ड वहाँ पे मेल नर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे नर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार ये होता है फीमेल्स जो होते हैं वो इमोशनली थोड़े वीक होते हैं, मतलब उनका कुछ बातें जैसे दिखते हैं तो वो डर जाते हैं, वहाँ पर मेल नर्सेस जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं। अब मैं हर एक फीमेल नर्सेस के बारे में नहीं बता रहा, बट कुछ रेयर ऐसे होते हैं। बट अगर उसी जगह पे अगर आप मेल नर्स हायर कर दो, तो फिर कोई भी सिचुएशन आने दो, उसको कॉन्फ्रंट करने में मेल नर्सेस को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसलिए मेल नर्सेस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया, इमरजेंसी वार्ड, कैजुअलिटीज़, कार्डियक केयर और कई सारे अदर वार्ड्स है जहाँ पर मेल नर्सेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब मेल नर्सेस का काम क्या, बस हैवी लिफ्टिंग करना, या फिर जो फीमेल नर्सेस नहीं कर सकते वही मेल नर्सेस ने करना, बस इतना ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से फीमेल को अपना खुद का एक आइडेंटिटी है इस नर्सिंग में, उसी तरह मेल्स को भी अपने खुद की आइडेंटिटी है नर्सिंग में। अब जब फीमेल्स नर्सिंग ग्रेजुएशन कर देते हैं, या फिर GNM कर देते हैं 3 साल का, या फिर ANM कर देते हैं, या फिर BSc नर्सिंग कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं नर्स। उसी तरह जब मेल्स GNM करते हैं, ANM करते हैं, या फिर BSc नर्सिंग करते हैं, तो वो भी कहलाते हैं नर्स। बट बात यह है कि जब फीमेल्स को कॉल करते हैं तो उनको सिस्टर कहा जाता है, और मेल्स को कॉल करते हैं तो उनको ब्रदर कहा जाता है। यह डिफरेंस है। उसी तरह मॉडर्न नर्सिंग जो है, ये टाइम का नर्सिंग जो है, इट इज़ नॉट डोमिनेंट बाय फीमेल्स, फीमेल्स के द्वारा पूरी तरह से डोमिनेट नहीं है। यहाँ पर मेल्स को भी स्कोप है, और जितना फीमेल्स को है उतना ही मेल्स को है। अब रही बात गवर्नमेंट नर्सिंग की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, जॉब्स में आपको मेल्स को भी रिकमेंड किया जाता है, मेल्स को भी वहाँ पे जॉब मिलने के अच्छे चांसेस है। बस कुछ रिजर्वेशंस होते हैं फीमेल के लिए। अब जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इसके अंडर फीमेल्स के लिए कुछ रिजर्वेशन होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेल को नर्सिंग में कम या फिर कम अपॉर्चुनिटीज होते हैं, या फिर फीमेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल नर्सेस एंड फीमेल नर्सेस इन नर्सिंग फील्ड आर लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आता है। तो दोस्तों, अब मेल नर्सिंग इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट थिंग। वहाँ पे फीमेल नर्सेस जो नहीं कर सकते वो नर्सेस करना, या फिर उनके लिए उस कामों को करने के लिए मेल नर्सेस चाहिए, ऐसा नहीं है। मेल नर्सिंग इज़ अ सेपरेट थिंग, फीमेल नर्सिंग इज़ अ सेपरेट थिंग। मतलब ये दोनों, जितना नर्सिंग फील्ड में फीमेल्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही नर्सिंग फील्ड में मेल्स इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अगर हम देखें डॉक्टरिंग या फिर डॉक्टर्स के फील्ड में, तो फिर डॉक्टर्स दे आर नॉट मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर। उसी तरह से नर्सिंग फील्ड में भी देर इज़ नथिंग फीमेल नर्स और मेल नर्स। इट इज़ इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड यू आर नर्स, और नो मैटर वेदर यू आर अ फीमेल और यू आर मेल। तो बस यही बात है। इस वीडियो में मैं 3 बातें बताने वाला था। फर्स्ट थिंग, क्या नर्सिंग फील्ड मेल्स के लिए है? जी हाँ, ये बात मैंने क्लियर कर दी, नर्सिंग फील्ड मेल्स के लिए ज़रूर है। क्या मेल्स के लिए नर्सिंग फील्ड में स्कोप है? जी हाँ, मेल्स के लिए नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। थर्ड थिंग, क्या गवर्नमेंट जॉब्स में नर्सेस को, मेल नर्सेस को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है? तो जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स में गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मेल नर्सेस के लिए भी होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपके जो क्वेश्चंस थे मेल नर्सिंग के बारे में, वो आंसर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई और डाउट हो आपको किसी और टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन का, आपके डाउट का आंसर देने में। तो दोस्तों, अगला वीडियो कौन सा आने वाला है, अगर आपको इसके बारे में जानना है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं स्टोरीज डालता हूँ, वहाँ पर अपडेट्स देता हूँ कौन सा वीडियो कब आने वाला है, कौन सा नया वीडियो आने वाला है इसके बारे में। तो अगर आपको भी अपडेटेड रहना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.